संदीप दुबे जी, 80 और 20 का मतलब क्या है? 80 और 20 का, अच्छी 80 और 20 का, 80-20, 80-20 का मतलब क्या है? मतलब वही है, 20% जो बुरे लोग इस भारत को भारत नहीं रहने देना चाहते, और अच्छे 80% वो लोग जो इस भारत को भारत बनाने में लगे हुए। मैंने पूछा 80-20 क्या है, इनके नेता कुछ और बताते हैं, यहां बैठकर कुछ और बता रहे हैं। अमित शाह जी ने निजाम पढ़ा था, याद होगा। तो क्या मुझे आप गूगल पर सर्च करके वो भाषण में जो निजाम का फॉर्मूला बताया था, फुल फॉर्म बताई थी अमित शाह जी ने, वो आप मुझे बता सकते हैं सर? उन्होंने क्या वो जो फुल फॉर्म बताई थी निजाम की, जिस 80% और 20% की आप बात कर रहे हैं वो ये है। मैं नहीं कर रहा, ये आप कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की बात क्या क्यों करूंगा, वो ये है। और जो ये जो माननीय देश के गृह मंत्री जी और पूर्व अध्यक्ष बीजेपी वो पूरे अमित शाह जी ने निजाम की बात की थी सर, वो पूरे देश को पता है। मैं जो बात कर रहा हूं, मेरे को बताइए ना आप, प्लीज बताइए आप, गूगल सर्च करने की मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूरे देश को पता है, उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ 80-20 कौन कर रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ आपको। इस विषय को आप लेकर जाना चाहते हैं, जिधर संवाद करना चाहते हैं, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं उस संवाद से दूर रहूंगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, धर्म युद्ध है, और जब भी धर्म युद्ध लड़ा जाता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जाते हैं। ये लड़ाई होगी, लड़ रहे हैं, ये लड़ाई शुरू हुई है, आप देखेंगे। धर्म जो धर्म का साथ छोड़ के धर्म के तरफ आएंगे, अभी वो भी आपको देखने को मिलेगा। धर्म की लड़ाई है ना, आप मुझे निजाम की फुल फॉर्म नहीं बता रहे जो अमित शाह जी ने बताई। बताइए आपके नेता, आप मुझे निजाम की फुल फॉर्म नहीं बता रहे। गूगल सर्च कह रहा हूँ ना कि मैं, मेरी जानकारी इतनी नहीं है, और मैंने गूगल सर्च नहीं किया इस विषय पे, और मैं इस विषय पे बोल नहीं सकता। अभी 2 बजे ढूंढ लिया, देखिए इस विषय को मैंने पूरी तरह से, मैं कहा मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए। आप तो तिलक भाई, आप तो इतने समझदार हैं, मैं एक वकील हूँ, मेरे से इस तरह की भाषा का प्रयोग, उनका जो कहने का तरीका था समाजवादी पार्टी के लोगों पे था। तिलक भाई चाहते हैं कि ये बात हमारे मुंह से निकल जाए। इतने बड़े बड़े माफियाओं का जिक्र आपने किया था निजाम का फुल फॉर्म समझाते हुए, और वो सारे मुसलमान थे, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। ये सारे जो माफिया है, जो गुंडे हैं, वो सारे मुसलमान हैं। क्या विकास दुबे माफिया था कि नहीं? विकास दुबे ये पूरा देश जानता है, और जो था वो था, उसको सजा कानून संबंध मिली। कि आप लोग, आप और हम लोग राजनीति को थोड़ा समझ लेते हैं कि सारा मुझे बताइए, विकास दुबे था कि नहीं? बिल्कुल 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 था, बिल्कुल। तो फिर आपके नेता मंच पर विकास दुबे का नाम क्यों लिए थे? अरे भैया, आप विकास दुबे से आपका क्या संबंध है, मैं ये समझना चाहता हूं। यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो विषय रखा, वो कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, जेडीएस के आजम खान, मुख्तार अंसारी, उनका निजाम भ्रष्टाचार था, अपराध था, गुंडागर्दी था, कुलदीप सेंगर भी तो माफिया। कुलदीप सेंगर व्यक्ति विशेष को अगर अपराध गलत है और कानून संबंध उसको सजा, ये अपराधी विकास दुबे क्यों नहीं कहते आप मंच से? आप मंच से विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लेते? ये आपकी उपलब्धि थी कि नहीं? विकास दुबे की गाड़ी पलटी, विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लेते आप? विकास दुबे का मैं ये पूछ लेते हैं साहब, हमने तो बराबर कहा है। देखिए, विकास दुबे को कोई संरक्षण नहीं है, विकास दुबे आज नहीं है, स्वर्गीय हो गए। जिस दिन उसने अपना देह त्याग दिया, उसकी बुराई या उसकी अच्छाई, उसने जो बुरा किया उसकी बुराई को उसको कर मिला, उसका नाम नहीं लेते साहब। तो इसलिए जो माफिया है वो सिर्फ मुसलमान है, इसलिए निजाम है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से जाके आप पूछिए, उनको पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने उस दहशत के साए में अपना जीवन जिया है। आप हिंदुओं को क्यों बांटते हैं? हिंदू एक है। आप मुस्लिम भाइयों को जरा बांट के दिखाइए ना, सियाओं का, सुन्नी का, इनका उनका, ऐसे वैसे। अच्छा, तो 80 और 20 की लड़ाई है, मुझे समझा रहे हो? ये बराबर है, 80 और 20 की लड़ाई है, कोशिश करते हैं। ये लड़ाई और 20 की लड़ाई है, ये लड़ाई अपने आप से है। जिन्होंने जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दिया, उन सबका अब सत्यानाश होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है। ये जातियों को बढ़ावा दे रहे थे, जिनको आपने साथ लिया, आज इस्तीफे दे रहे हैं, ये जातियों को बढ़ावा दे रहे थे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं। आपने कहा कि हम जातियों के आधार पर नहीं बांटते, आप मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं,
तो आप बताते हैं ये मंत्री इस जात का है, फिर कौन बांटता है जातियों में? तिलक जी सबका प्रतिनिधित्व मिलना है, लोहा लोहे को काटता है। ये लड़ाई बड़ी है, छोटी लड़ाई नहीं है जी। खड़ा हुआ है सर, तस्वीरें लगाते हो कि इस जात का, मंत्री है, कांग्रेस ने बिछा रखी थी उसको ध्वस्त किया है। चलिए मत बताओ कि वो किस किस जात के मंत्री बनाए थे आपने, वो याद दिला रहे हो। अच्छा वो जातिगत सम्मेलन चल रहे हैं कि बंद हो गए जो चल रहे थे? देखिए आप हमसे काम पूछिए कि हम उत्तर प्रदेश में क्या काम किए,